हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या फॉर्म हुआ था? स्पर्मेटिड, जिसमें कुछ सक्सेसिव स्टेजेस हैं, जिसमें स्टार्टिंग हुआ था प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, जो कि सेमिफेस्टिबुल्स में मिलती है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम से फिर चेंज हुआ था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चेंज हुआ था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चेंज हुआ था स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड तक जो प्रोसेस देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन स्पर्मेटिड इज नॉट अ मैच्योर स्पर्म। तो मैच्योर स्पर्म कैसे हमें मिलेगा? तो आज वो स्टडी करते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड तक हमने देख लिया था, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। मीन्स ये स्पर्मेटिड फॉर्म हुआ था कहां पर? स्पर्मेटोजेनेसिस में। अब ये स्पर्मेटिड चेंज होगा स्पर्म में, और जो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू चेंज होगा वो प्रोसेस होगा स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, तो हमने यहां तक स्टडी कर लिया था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे स्पर्मेटिड से स्पर्म का कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है स्पर्मेटिड का, ओके, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। स्पर्मेटिड में न्यूक्लियस भी है, गॉल्जी एपरेटस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, एक पूरा सेल है। बट दिस स्पर्मेटिड इज नॉट अ मैच्योर स्पर्म। ओके, तो इसको हमें चेंज करना है स्पर्म में। क्या किस प्रोसेस के थ्रू, कौन सा प्रोसेस है देखते हैं। जिसमें न्यूक्लियस, सबसे पहले हम न्यूक्लियस पर स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस में हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है, आरएनए होता है, और भी बहुत कुछ, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। बाकी मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। तो न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमेटिड मटेरियल को छोड़ के, क्रोमेटिड मटेरियल को छोड़ के मींस जेनेटिक मटेरियल, क्रोमेटिड मटेरियल मींस जेनेटिक मटेरियल, आरएनए डीएनए, जेनेटिक मटेरियल को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है। क्या बाहर चला जाता है? तो जब न्यूक्लियस में से क्रोमेटिड को छोड़कर बाकी सारा मटेरियल न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, तो न्यूक्लियस कैसा हो जाता है? लाइट इन वेट, वेट में लाइट हो जाता है, और स्मॉल इन साइज, साइज में भी स्मॉल हो जाता है। ओके, तो ये जब वेट लाइट इन वेट में हो जाएगा, स्मॉल साइज हो जाएगा, और ये एक तरफ सेल के एक तरफ मूव कर लेगा। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर लेगा। ये कहां पर मूव करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर लेगा। बेसिकली स्पर्म से हमारा फॉर्मेशन होगा हेड का। तो ये न्यूक्लियस क्रोमेटिड मटेरियल को छोड़कर बाकी सारे मटेरियल को, यानी प्रोटो न्यूक्लियोप्लाज्म को रिलीज आउट कर देता है अपने आप से, और एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो न्यूक्लियस शिफ्ट हो गया, न्यूक्लियस हमारा यहां शिफ्ट हो गया। ओके, अब गोल्जी बॉडी, अब एक सेल में डिफरेंट गोल्जी बॉडी होती है, बहुत सारी गोल्जी बॉडी होती है। ओके, अब इन गोल्जी बॉडियों में से कुछ गोल्जी बॉडी फॉर्म करती है एक्रोमोसोम, एक्रोमोसोम। ओके, ये न्यूक्लियस हो गया, ये तो हमने देख लिया कैसे फॉर्म हुआ है, अभी यहां कैसे आ गया है, ठीक है ना। तो ये गोल्जी बॉडी फॉर्म करती है एक्रोमोसोम। पहले गोल्जी बॉडी, कुछ गोल्जी बॉडी प्रो एक्रोब्लास्ट फॉर्म करेंगी। क्या फॉर्म करेगी? प्रो एक्रोब्लास्ट। जिसमें कुछ वेजिकल्स होते हैं, और ये वेजिकल्स ग्रेन्यूल्स एक साथ जुड़कर क्या फॉर्म करते हैं? एक्रोब्लास्ट। और ये फॉर्म करते हैं एक्रोमोसोम। ओके, तो गोल्जी बॉडी ने क्या फॉर्म किया? ये
गोल्जी बॉडी है, इसमें से कुछ गोल्जी बॉडी ने प्रोटोप्लास्ट फॉर्म किया फ्यूज होकर, और उनमें वेजिकल्स मिलते हैं, और ये वेजिकल्स फॉर्म होकर क्या बनाते हैं, एक्रोब्लास्ट, और ये एक्रोब्लास्ट फॉर्म करते हैं एक्रोमोसोम का, ठीक है ना। एक्रोमोसोम इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पर्म, ये किसमें हेल्प करता है, वैसे तो अभी हम जब फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो इसका एक्रोमोसोम का रोल डिटेल में पढ़ेंगे, ओके, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ में इसका रोल देखते हैं। ये क्रोमोसोम हेल्प करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक्रोमोसोम ओवम में पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, ओके। तो ये एक्रोमोसोम फॉर्म हो गया और न्यूक्लियस भी फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब बात आती है इसके साइटोप्लाज्म की, क्योंकि तो सेल में साइटोप्लाज्म मिलता है, ओके, और जो ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ओके। जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो श्रिंक हो जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन श्रिंक हो जाएगा। जब ऊपर वाला पोर्शन श्रिंक होगा तो क्या होगा, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्रोमोसोम से फ्यूज लगभग चिपक जाती है ना, एक कॉनिकल शेप में, शेप की फॉर्म ले लेती है, ठीक है ना, और एक हेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, क्या, हेड लाइक स्ट्रक्चर, ओके। अब ये हेड लाइक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ, समझ में आया ना, साइटोप्लाज्म डाउनवर्ड मूव किया और जो इसकी सेल्स स्पर्मेटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है स्पर्मेटिक की, ये क्या होती है, एक कॉनिकल शेप की फॉर्म ले लेती है और एक्रोमोसोम और न्यूक्लियस से लगभग चिपक जाती है, ओके। तो इसका हेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ओके। तो ये हमने देख लिया, गोल्जी एपरेटस से एक्रोमोसोम फॉर्म हुआ, न्यूक्लियस अपने क्रोमेटेड मटेरियल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स को लॉस्ट करके और एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसे चिपक गई, तो इससे क्या, हेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, क्लियर। तो इसके हेड का फॉर्मेशन क्लियर हो गया। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, क्योंकि तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी एनर्जी का फंक्शन देती है सेल को, ओके। तो इसमें बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पोर्शन में अरेंज हो जाती है ना, मिडिल पोर्शन में अरेंज हो जाती है किसके, एक्जिलरी, एक्जिलरी के चारों तरफ स्पाइरली कॉइल हो जाती है, इसको बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स, ओके, क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया का मिडिल पोर्शन में एक्जिलरी या एक्जियल फिलामेंट के चारों तरफ स्पाइरली कॉइल हो जाती है, और उस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल सेल, ये स्पर्म को एनर्जी देने में भी हेल्प करते हैं, अभी इनका फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पता लग गया, ये माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स बना लेती है, ओके। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और तुम्हारा ये अब क्या बचा है, इसमें सेंट्रियोल, टू टाइप्स के सेंट्रियोल फाउंड होते हैं, एक तो प्रॉक्सिमल और दूसरा डिस्टल, एक तो प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। अब ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहां पर फॉर्म होगा, कहां पर सिचुएटेड होगा स्पर्म में, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेड के न्यूक्लियस के जस्ट बिलो सिचुएटेड हो जाएगा, ओके, हेड के न्यूक्लियस के, और फॉर्मेशन करेगा एक्सियल फिलामेंट एक्जुनली का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और ये दूसरा सेंट्रियोल डिस्टल सेंट्रियोल,
ठीक है ना। टू टाइप्स का सेंट्रियोल है, फर्स्ट प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ओके, जो न्यूक्लियस के जस्ट नीचे, जस्ट बिलो ऑफ द न्यूक्लियस सिचुएटेड हो जाएगा, और सेकेंड सेंट्रियोल है डिस्टल सेंट्रियोल, जो मिडिल पोर्शन और टेल के जंक्शन पर सिचुएटेड हो जाएगा, और एन्यूले एन्यूले लिंब का फॉर्म करेगा, ओके। यहीं से टेल के लिए एक्जल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ओके, क्लियर हो गया ये सारा। स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन, इसमें 4 to 5 ऑर्गेनल्स अपना प्ले अपना रोल पार्टिसिपेट करते हैं, रोल प्ले करते हैं। इसमें गोल्जी बॉडी पार्ट प्ले करता है, एक्रोमोसोम फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस की फॉर्म में रहता है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, ओके। सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जस्ट बिनिथ द न्यूक्लियस सिचुएटेड हो जाता है, डिस्टल सेंट्रियोल एन्युलर रिंग फॉर्म करता है ऑन द जंक्शंस ऑफ मिडिल पोर्शन एंड टेल, दिस इज द टेल, ठीक है ना। और माइक्रोकॉन्ड्रिया माइक्रोकॉन्ड्रियल सेल का फॉर्मेशन करती है इन द मिडिल पोर्शन ऑफ स्पर्म, ओके। तो ये हमने ये पूरा प्रोसेस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। एक बार और डेफिनेशन क्लियर करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड टू फ्रॉम स्पर्मेटिड, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा स्पर्मियोजेनेसिस, ये स्पर्मेटिड था, ये स्पर्म, ओके। अच्छा, हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस में कि एक प्राइमोर्डियल एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटिड फॉर्म होते हैं, कितने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, 4 स्पर्मेटिड फॉर्म होते हैं, तो 4 स्पर्मेटिड से ही 4 स्पर्म फॉर्म होंगे, यानी हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि 1 स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म 4 स्पर्म, ओके। मतलब एक बार प्रोसेस कंप्लीट होने से, स्पर्मेटोजेनेसिस की एक बार कंप्लीट प्रोसेस होती है, तो उससे हमारे 4 स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, अभी तो हमने इसका फंक्शन देख लिया, अब स्पर्म का डिटेल में स्ट्रक्चर व्यू करेंगे, ओके। अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, क्योंकि अभी हमने स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन देख लिया था, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर व्यू स्टडी करते हैं, ओके। तो बेसिकली स्पर्म को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, तो 1 by 1 पार्ट को हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेड को देखते हैं। बेसिकली हेड इज फॉर्म्ड बाई एक्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस, ओके। अभी हमने स्पर्मियोजेनेसिस में देखा था कि एक्रोमोसोम और न्यूक्लियस के थ्रू हेड का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्रोमोसोम, एक्रोमोसोम किससे फॉर्म हुआ था, गोल्जी बॉडी से, गोल्जी बॉडीज फ्यूज हुई थी, ओके। उसके फ्यूज होने से क्या बना था, एक्रोमोसोम। एक्रोमोसोम इज अ वैग लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड अपर पोर्शन ऑफ स्पर्म, ओके। एंड दिस एक्रोमोसोम कंटेन लाइटिक एंजाइम, एक स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, वो होते हैं लाइटिक एंजाइम। क्या होते हैं, लाइटिक एंजाइम कंटेन करके रखता है कौन, एक्रोमोसोम। दीज लाइटिक एंजाइम हेल्पफुल इन फर्टिलाइजेशन, मैंने बताया था कि ये लाइटिक एंजाइम्स जब फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म को एंट्री में हेल्प देने का काम करेंगे, ओके। तो एक्रोमोसोम का मेन फंक्शंस देखा अभी हमने, अब आते हैं न्यूक्लियस पर। मैंने जैसा कि बोला था कि न्यूक्लियस स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पर न्यूक्लियस में से क्रोमेटिड मटेरियल को छोड़कर बाकी सारा न्यूक्लियोप्लाज्म रिलीज आउट हो जाता है, ओके। इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, लाइट इन वेट और स्मॉल इन साइज, ओके। तो जब क्रोमेटिड मटेरियल बचता है इसमें, तो क्रोमेटिड मटेरियल में क्या होता है, डीएनए आरएनए, मींस जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए क्या कंटेन करके रखता है, ये डीएनए एंड आरएनए, क्या ये बोल सकते हैं
जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल रहना जरूरी है ना, तभी तो अपने सारे फैक्टर्स ट्रांसफर होंगे ऑफस्प्रिंग में, ओके, जीन्स ट्रांसफर होंगे ऑफस्प्रिंग में, ओके। तो ये कैरी कौन रखते हैं, डीएनए और आरएनए, इनको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल, ओके। अच्छा, ये डीएनए एंड आरएनए एक कंडेंस फॉर्म में रहते हैं, बहुत कंडेंस फॉर्म में, मीन्स बहुत कम जगह में, ओके, कंडेंस फॉर्म में, बहुत कम स्पेस में ये मिलते हैं, ओके। यानी ये बोल सकते हैं, दिस डीएनए आरएनए आर फॉर्म ए कंडेंस स्ट्रक्चर, ओके। और एक स्पेशल प्रोटीन की मिलती है, उसको हम बोलते हैं प्रोटामिन प्रोटीन। एक प्रोटामिन प्रोटीन कहाँ मिलती है, इनसाइड द न्यूक्लियस। क्या क्या मिलता है, डीएनए आरएनए एंड प्रोटामिन प्रोटीन, ओके। तो और ये सिचुएटेड कहाँ है, हेड पोर्शन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे लगभग चुकी रहती है, तो एक कॉनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ओके। तो ये पोर्शन हो गया हेड का, ठीक है ना, हेड का पोर्शन पढ़ लिया। अब आफ्टर द हेड, ए नैरो पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड नेक। नेक बहुत छोटा पोर्शन होता है और नैरो पोर्शन होता है, ठीक है ना, ये हेड को और मिडिल पीस को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है ना। और यहां पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल फॉर्म एक्सियल फिलामेंट्स आर फाउंड इन अराउंड द नेक रीजन, ओके। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हमने देखा था, वो जस्ट बिलो द न्यूक्लियस इन नेक फाउंड होता है, ओके। और ये डिस्टल सेंट्रियल फॉर्म करता है एक्सियल फिलामेंट को, ओके। एंड दिस एक्सियल फिलामेंट रन इन मिडिल पीस एंड टिल द एंड ऑफ टेल, ओके। ये एक्सियल फिलामेंट मिडिल पीस से लेकर और टिल द टेल तक ये रन करता है, ओके। और ये मिडिल पीस और टेल के बीच में एक एनुलस रिंग फॉर्म्ड होती है, किससे, डिस्टल फिलामेंट से, सॉरी डिस्टल सेंट्रियोल से, उसके थ्रू ये एक्सियल फिलामेंट पास होता है, ओके। तो हमने प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल देख लिया कि वो मिडिल सॉरी नेक पोर्शन में बिलो द न्यूक्लियस सिचुएटेड रहता है, ओके। और डिस्टल सेंट्रियोल फॉर्म करता है एक्सियल फिलामेंट, एंड दिस एक्सियल फिलामेंट पासेस इन मिडिल पोर्शन एंड टिल द एंड ऑफ द टेल पोर्शन एंड आल्सो पास थ्रू द एनुलस रिंग्स व्हिच इज फॉर्मड बाय डिस्टल सेंट्रियोल। एनुलस रिंग्स किससे फॉर्मड होती है, डिस्टल सेंट्रियोल से, ओके। अब नेक के बाद मिडिल पोर्शन, अब मिडिल पोर्शन में क्या क्या है, एक तो एक्सियल फिलामेंट्स हैं और सेकंड थे माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स। हमने देखा था कि बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ स्पाइरली अरेंज हो जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट को माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स, ओके। माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स प्रोवाइड एनर्जी, ये क्या करती हैं, एनर्जी को प्रोवाइड करती हैं, ये क्या बोल सकते हैं हम, मिडिल पोर्शन क्या बोल सकते हैं, एनर्जी चेम्बर ऑफ द स्पर्म, क्या बोल सकते हैं, एनर्जी चेम्बर ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड मिडिल पोर्शन, ओके। इस माइटोकॉन्ड्रियल सेल तो हो गया, और माइटोकॉन्ड्रियल सेल के बाद एनुलस रिंग्स देख लिए हमने, जिसमें से क्या एक्सियल फिलामेंट पास हो रहे हैं, और इसके बाद टेल पोर्शन आता है अपना, ठीक है ना, टेल पोर्शन में भी ये एक्सियल फिलामेंट है कंटेन रहते हैं, ओके। अच्छा, हम इन एक्सियल फिलामेंट का अरेंजमेंट देखते हैं, ओके। अच्छा, ये एक्सियल फिलामेंट एक तो मिडिल पीस में और एक टेल में, ओके, टेल में। तो पहले मिडिल पीस में देखते हैं, सपोज करो ये एक्सियल फिलामेंट है, ओके,
एक्सल फिलामेंट है ये, तो हम इनको एक्सल फिलामेंट मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इनका इस टाइप से फॉर्म देखेंगे, एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेके और इस फॉर्म में इनको देखते हैं, ओके। तो अगर हम इसको इन फॉर्म में देखेंगे, ये अभी ऐसे ऐसे अरेंज है, अगर इनका एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें और उसको इस फॉर्म में देखें, तो कैसे कैसे दिखेंगे ये। मिडिल में एक पेयर फाइब्रिल्स होते हैं, ओके, पेयर्स। उसके चारों तरफ 9 फाइब्रिल्स अरेंज होते हैं, कितने, ये 2 फाइब्रिल्स मिडिल में पेयर फॉर्म में अरेंज हो गए, ओके। उसके चारों तरफ 9 फाइब्रिल्स अरेंज हो गए, ओके। और उसके भी चारों तरफ एक और 20 फाइब्रिल्स अरेंज होते हैं, 9। ठीक है ना। तो पहले मिडिल में एक पेयर सेंट्रल फाइब्रिल अरेंज होते हैं, और ये 9 फिलामेंट से क्या होते हैं, चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं, और उनके भी चारों तरफ 9 प्रोटीन फाइब्रिल्स अरेंज होते हैं, ठीक है ना। तो मिडिल पोर्शन में इसका क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, 9 प्लस 9 प्लस 2, ठीक है ना। 2 मिडिल सेंट्रल फाइब्रिल्स विच आर, ये 9 सेंट्रल फाइब्रिल्स सर्कली चारों तरफ से किससे घिरे होते हैं, 9 फाइब्रिल से, अनदर 9 फाइब्रिल से, और ये वाले 9 फाइब्रिल प्रोटीन फाइब्रिल से, ओके। तो ये 9 सॉरी 2, ये 9 और ये 9, समझ में आया। तो मिडिल पोर्शन में इसका ये अरेंजमेंट होगा, ओके। अब टेल में, टेल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो प्रोक्सिमल और एक एंड टेल। तो प्रोक्सिमल में ये 9 प्रोटीन फाइब्रिल्स हैं, इसमें से 9 की जगह सिर्फ 2, और ये जो 2 सेंट्रल फाइब्रिल्स को घेर के ये 9 फाइब्रिल्स हैं, इन ये पूरे 9 होंगे और 2 सेंट्रल फाइब्रिल्स, ठीक है ना। मिडिल में सॉरी प्रोक्सिमल टेल में क्या एब्सेंट होगा, एब्सेंट होंगे 7 प्रोटीन फाइब्रिल्स। 9 के लिए कितने होंगे, 7, यहाँ पे 2 की जगह 2 होंगे और 9 की जगह 9 होंगे, और यहाँ 9 की जगह 2 होंगे, ओके। ये प्रोक्सिमल टेल, प्रोक्सिमल टेल, ओके। अब एंड टेल, एंड टेल मीन्स लास्ट पार्ट ऑफ द टेल, इसमें 9 प्रोटीन फाइब्रिल्स एब्सेंट होंगे, ओके। बाकी की ये 9 प्रोटीन फाइब्रिल्स 9 ही लेंगे और 2 सेंट्रल फाइब्रिल्स, ओके। तो ये 2 सेंट्रल फाइब्रिल्स प्रेजेंट रहेंगे, ये भी 9 फाइब्रिल्स प्रेजेंट रहेंगे, और ये प्रोटीन फाइब्रिल्स एब्सेंट रहेंगे। तो ये अरेंजमेंट इनका देगा मिडिल पोर्शन में 9 प्लस 9 प्लस 2, मीन्स ये वाला पोर्शन, ओके। प्रोक्सिमल टेल में 2 प्लस 9 प्लस 2 मीन्स प्रोक्सिमल टेल, बिगिनिंग पार्ट ऑफ द टेल। एंड एंड टेल में ये प्रोटीन फाइब्रिल्स एब्सेंट होंगे, तो इसका अरेंजमेंट होगा 9 प्लस 2 एंड पार्ट ऑफ द टेल, ओके। तो ये एक्सल फिलामेंट इनके फाइब्रिल्स का अरेंजमेंट है, ओके। तो हमने अभी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को भी किया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट, टेल का क्या फंक्शन होता है। टेल का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेल मूवमेंट ऑफ स्पर्म में हेल्प करती है, इसमें मूवमेंट ऑफ स्पर्म,
स्पर्म मूव करता है ना अपने भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी मूव करता है स्पर्म, और यूटेरस में जब उसका इजेकुलेशन होता है तो वहां भी ये मूव करके और फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है। तो वहां तक जाएगा तो मूव करके तो जाएगा ना, तो एनर्जी प्रोवाइड करती है माइटोकॉन्ड्रियल सेल और ये मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को हमने अभी डिटेल में स्टडी किया था। ओके।